पूरी हर को हां चलिए गुड़ लड्डू शाही सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हो पर को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। और सुबह सुबह मैंने फूलों में भी पानी डाल दिया है और देखिए फ्लावर कुछ ऐसे खिल गए हैं। तो ऑनियन पिज्जा आ गया है बच्चों के लिए और खा रहे हैं देखिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं माया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माया के बंधन में, नवाबों के खूबसूरत शहर लखनऊ से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं लखनऊ आई हुई हूँ और जिसके लिए मैं लखनऊ आई थी, आज वो दिन आ गया है। आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है सुबह के 7 बजे से, क्योंकि आज है मेरे बेटे का बर्थडे और मैं सुबह सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसका पेपर है तो वो नहाने के लिए गया हुआ है, नहाएगा 8 बजे निकल जाएगा पेपर देने के लिए, तो मैंने उससे पहले ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, सुबह उठ के नहा धो लिया है मैंने और मैं जा रही हूँ बाहर फूल लेने के लिए, मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। तो आपको भी दिखाते हैं कि बाहर आज कैसा मौसम है लखनऊ का। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कुछ ऐसा मौसम है आज लखनऊ में, बादल लगे हुए हैं हल्के हल्के आसमान में, देखिए। और मैंने गार्डन में पानी वगैरह डाल दिया था उठ के और फूलों में पानी डाल दिया है। थोड़े से फूल ले लेते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि श्री का टाइम भी हो जाएगा फिर स्कूल का, तो फटाफट से पूजा पाठ वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। और सुबह सुबह मैंने फूलों में भी पानी डाल दिया है और देखिए फ्लावर कुछ ऐसे खिल गए हैं। कुछ इतना काम हो गया बाहर का। तो दोस्तों, फूल लेके मैं आ गई हूँ अंदर, अब करते हैं पूजा और उसके बाद मिलते हैं आपको। हरे हरे शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंद। तो फ्रेंड्स, श्रेयान से चले गया है स्कूल को और अब आएगा 2 बजे के आसपास, तो उसके आने के बाद ही मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। और तब तक मैं अपने थोड़े अंदर के काम वगैरह निपटा लेती हूँ और उसके आने के बाद हम केक लेने जाएंगे उसका और थोड़ा लाएंगे बर्थडे का सामान शाम का। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में। तो उसके स्कूल जाने के बाद मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि आज मैंने सुबह की चाय नहीं पी थी अपनी मॉर्निंग की, तो सुबह उठ के एक कप चाय तो बनता ही है, तो मैं पी रही हूँ ब्लैक टी और उसके बाद शुरू करूँगी घर के और काम। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, शाम के 6 बजने वाले हैं और हम करने लग गए हैं केक काटने की तैयारी। और मेरा बेटा और मेरा भतीजा दोनों गए हुए हैं सदर मार्केट अपने कुछ फ्रेंड्स को लेके, और उनको वहीं खिला के आने वाले हैं वो लोग, और केक वगैरह ही खाएंगे वो यहाँ पर। तो केक वेक काटेंगे हम यहाँ पर रूम पे और उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे बाहर, क्योंकि ये कब से बाहर नहीं खा रखा है, गांव में तो हमेशा घर ही में बना के खाना पड़ता है। तो पहले थोड़ी पूजा पाठ कर लेते हैं शाम की और उसके बाद हम तैयारी करेंगे बर्थडे की, बत्ती वत्ती जला लेते हैं, शाम हो गई है।
हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, तो श्रेयांश के बर्थडे की तैयारी कंप्लीट हो गई है और अब केक काटने के लिए तैयार हो गए हम लोग। ये देखिए फ्रेंड लोग, ये इसके ये हाल है बर्थडे बॉय के। तुम्हें लगवा के बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजाम मत करवाते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम केक काटने की तैयारी कर रहे हैं श्रेयांश की, और देखिए थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दिया हमने, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि इसे ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए कम कम ही कर रहे हैं। आओ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई, क्या कह रहे हैं। कैंडल शैंडल फूंक से बुझा के बेसुरों की भीड़ फालतू में लगा के, बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजाम मत करवाते हो। ये सब नौटंकी फिर भी चलो झेल ले, केक शेक को स्टार्टर्स भर भर के आए प्लेट में, घर जाके फिर से डिनर न मंगाना हो, चूहे ना दौड़े पेट में रात के पौने दो। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, सोच समझ के इनवाइट भिजवाओ जी, अगर पेट पूजा का फुल इंतजाम है तो ही न्योता कंसीडर करेंगे जी। हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिया है जी, तुम और भी बुढ़े हो गए ओ तेरी, दिल छोटा ना करो उम्र का है क्या, बाल झड़ेंगे दांत गिरेंगे वैसे ही। देखो कोई पुराना गिफ्ट हम जो ढूंढ पाए, एक्सपेक्ट सभी करना हम कुछ हाथ में लेकर आए, यू आर ऑन माई फ्रेंड लिस्ट ये नहीं मजाक है, हम टाइम निकाल के आ गए तो बड़ी बात है। वैसे सच बताओ तुम अब कितने साल के हो, सेलिब्रेशन हो गया है, केक वगैरह काट के केक खा भी लिया है हम लोगों ने, और अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, और वही यहीं सदर मार्केट में रोड्स है रेस्टोरेंट है बोल रहे हैं, तो वहीं जा रहे हैं खाने के लिए। हर्षित और निशु ने देखा है क्या कि कैसा रेस्टोरेंट है और वहाँ क्या क्या मिलता है खाने पर, तो चलिए चलते हैं और देखिए बच्चों ने क्या हालत कर दी है सब फुफाड़ी फुफाड़ के।
तो बने रहिएगा आप, आपको भी दिखाएंगे कि वहाँ कैसा रेस्टोरेंट है और क्या क्या है वहाँ पर खाने के लिए। तो फ्रेंड्स हम घर से निकल गए हैं, हम जा रहे हैं सदर द रूट्स रेस्टोरेंट में खाने के लिए। तो हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में सदर, तो वहीं जाके आपको मिलते हैं। रास्ते में हमें मिले सनी मंदिर। पहुंच गए हैं द रूट्स रेस्टोरेंट में और ये देखिए श्रेयांश बैठ गया है चेयर में और उधर बैठा है अर्चित। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं द रूट्स रेस्टोरेंट में और अब यहाँ देखते हैं कि क्या क्या बना हुआ है और खाते हैं। तो दोनों भाई डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें क्या खाना है। हम अपने क्वार्टर आर्मी क्वार्टर की तरफ निकल गए हैं और मैं हम अपने कमरे में पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम खा पी के वापस आ गए हैं अपने रूम पे। तो फ्रेंड्स हम वहां रेस्टोरेंट में खाना वाना खा के वापस आ गए हैं रूम पे और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग बनाए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय।